वर्ल्ड कप 2023 को लेकर बड़ा अपडेट। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड वर्ल्ड कप से लगभग बाहर, 5 में से 4 मैचों में मिली है हार। श्रीलंका ने 8 विकेट से दी है इंग्लैंड को मात। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड वर्ल्ड कप 2023 से लगभग बाहर हो चुकी है। टीम को श्रीलंका ने 8 विकेट से हरा दिया है। वह टीम ने लगातार तीसरा मुकाबला जो ये गंवाया है। वही बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में गुरुवार को टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम जो है 33 ओवर और 2 गेंदों में 156 पर ऑल आउट हो गई। वही 157 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम 2 विकेट खोकर 25 ओवर और 4 गेंदों में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। ओपनर निशंका और सिद्धा विक्रमा ने सेंचुरी की पार्टनरशिप यहाँ पर की। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 122 बॉल पर 137 रन जोड़े। वही पॉइंट टेबल पर जो है इंग्लैंड जो है सबसे निचले पायदान पर आ चुकी है। श्रीलंका से मिली हार के बाद इंग्लैंड पॉइंट टेबल पर 9वें नंबर पर आ गई है, जबकि श्रीलंका 5वें नंबर पर आ गई। इस हार के बाद इंग्लैंड वर्ल्ड कप से पूरी तरह से बाहर नहीं हुई है। उसके टॉप 4 में पहुंचने के अब कुछ मौके और बाकी है। वही इंग्लिश टीम के खाते में 5 मुकाबलों के बाद जो है 1 जीत और 4 हार के बाद 2 अंक है। इंग्लैंड 4 मैच इंग्लैंड के बच्चे हैं। ऐसे में अगले सभी मुकाबले जीतने पर 10 अंक तक ये टीम जो है वो पहुंच पाएगी। ऐसे में इंग्लिश टीम को टॉप 4 में प्रवेश करने के लिए दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर निर्भर रहना होगा। आज के मुकाबले गंवाने के बाद इंग्लैंड सेमीफाइनल के 4थे स्थान के लिए जो है दावेदारी कर सकती है। इसका कंपटीशन जो है ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान से जो है वो होगा। वह यहाँ से आगे बढ़ने के लिए इंग्लैंड को अपने शेष मुकाबलों में अच्छा नेट रन रेट के साथ जीतने होंगे। इस स्थिति में ऑस्ट्रेलिया 4 में से 2 मुकाबले हार जाए, जबकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका 1-1 मैच जो है हार जाते हैं, तो इंग्लिश टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने का चांस जो है वो रहेगा। इसके अलावा इंग्लैंड अब 1 भी मुकाबला हारने की स्थिति में सीधे टूर्नामेंट से जो है बाहर हो जाएगी। वहीं बेंगलुरु के एनचिमा स्वामी स्टेडियम में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और 33 ओवर 2 गेंदों में ऑल आउट हो गए। इंग्लैंड से बेन स्टोक ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए, इसके बाद जॉनी बेयरस्टो ने 30 रन की पारी खेली।